क्या कुछ घटना हुई है बताओ जी। घटना यही हुई थी रात 8:30 के बीच में। हम ही सब खाना खा रहे थे, सारी पूरी फैमिली खाना खा रही थी बैठ के। तो बच्ची की उसकी मम्मी पूछने लगी बच्ची घर पे आई है, तो हम बोले जी नहीं आई, हमारी बहन की लड़की है वो, हमारे पास ही रहती है बहन भी, बांझी है जी मेरी। तो हमने देखा वो लड़की बाहर नहीं थी, हमने मोहल्ले में देखा तो लड़की नहीं पाई, छोटी सी लड़की है जी, 4 साल की लड़की है, तो हमने नहीं पाई वो। फिर हमने पड़ोस की एक आंटी ने बताया क्या उसे वो आदमी लेके गया था, वो कभी कभार हमारे घर पे आ जाता था, वो उसे चीज़ के बहाने फुसला के अपने साथ ही ले गया। वो पड़ोसी है जी, दूसरी गली में रहता वो, मोहल्ले का ही बंदा है। तो उसने लड़की की पूरी गर्दन काट रखी है, 4 साल की लड़की है, उसने पूरी गर्दन काट रखी है लड़की की, और वो कच्चे कच्चे में था और कंबल ओढ़ रखा था, वो तुरंत ही भाग गया। जैसे अंदर गए ना, गेट खोला हमने, तो तुरंत ही भाग गया। उसके घर में ही पाई है जी, वो रात से ही फरार है जी। उसे हॉस्पिटल में लेके आए जी, इधर 2 हॉस्पिटल में उसे जवाब दे दिया गया जी। तो अभी प्रेम में लेके आए थे जी, जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका भाई, अभी तो बहुत खतरे में है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते अभी। तो रेप की कोशिश किया है? उसने रेप की कोशिश की है, रेप नहीं किया जी। शिकायत दे दी आप लोगों ने? हाँ जी, शिकायत दे दी है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई इस तरह की? शादीशुदा है वो? कौन वो बंदा जी? शादीशुदा, हम तो एक ही दरखास्त करते हैं, या तो सरकार उसे फांसी की सजा दे दे, या उसे पब्लिक के हवाले कर दे, हम उसे खुद ही मार देंगे जी। हम उसे खुद ही मार देंगे, या सरकार उसे मार देना, तो हम उसे खुद ही मार देंगे, सरकार को नहीं देंगे जी। हम उसे खुद ही मार देंगे, जैसे हमारी बच्ची 4 साल की तड़पी है, हम उसे ऐसे ही तड़पा के मारेंगे। हम भी न्याय की गुहार लगा रहे, हम न्याय की पूरी गुहार लगा रहे जी। उसे फांसी मिले, फांसी की सजा होनी चाहिए जी। दूसरे बंदे को भी आंखों ऐसा क्राइम ना करे कोई भी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के 8 मरला चौकी से अभी हम लाए हुए हैं, और जो मामला अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। जी हां, यहां से ही, जी हां, इसी धरती से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और अभियान भी शुरू किया था, और मात्र 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, हालांकि दुष्कर्म नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन लड़की खतरे में है, अभी हॉस्पिटलाइज है, और ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे उसका ऑपरेशन भी होना है। गले पर उसने अपने दांतों से काटा, ब्लेड से काटा, ये तो जांच का विषय होगा कि किस प्रकार से क्या कुछ हुआ। गले पर काफ़ी ज़्यादा खून बह रहे थे जिस समय ये घटना हुई, और ये घटना कल की बताई जा रही है, और जैसे ही ये वारदात हुई और उसी समय आरोपी फरार हो गया है, और इसको लेकर अभी हम पानीपत के 8 मरला चौकी से अभी हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं, और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पुलिस से भी बातचीत करेंगे, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समाज सेवी है सविता आर्य वो भी यहाँ पर आई हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनमें जो आरोपी होता है वो नशे का आदि होता है, किसी न किसी प्रकार का नशा लिया होता है, और नशे की हालत में ही ये इस प्रकार की वारदात को अंजाम देता है। तो अभी हम बातचीत करते हैं परिवार वालों से, पुलिस से, और जो समाज सेविका है सविता आर्य उससे। क्या कुछ घटना हुई है बताओ जी? घटना यही हुई थी रात 8:30 के बीच में। हम ही सब खाना खा रहे थे, सारी पूरी फैमिली खाना खा रही थी बैठ के। तो बच्ची की उसकी मम्मी पूछने लगी बच्ची घर पे आई है, तो हम बोले जी नहीं आई, हमारी बहन की लड़की है वो, हमारे पास ही रहती है बहन भी, बांझी है जी मेरी। तो हमने देखा वो लड़की बाहर नहीं थी, हमने मोहल्ले में देखा तो लड़की नहीं पाई, छोटी सी लड़की है जी, 4 साल की लड़की है, तो हमने नहीं पाई वो। फिर हमने पड़ोस की एक आंटी ने बताया क्या उसे वो आदमी लेके गया था, वो कभी कभार हमारे घर पे आ जाता था, वो उसे चीज़ के बहाने फुसला के अपने साथ ही ले गया। वो पड़ोसी है जी, दूसरी गली में रहता वो, मोहल्ले का ही बंदा है। तो उसने लड़की की पूरी गर्दन काट रखी है, 4 साल की लड़की है, उसने पूरी गर्दन काट रखी है लड़की की, और वो कच्चे कच्चे में था और कंबल ओढ़ रखा था, वो तुरंत ही भाग गया। जैसे अंदर गए ना, गेट खोला हमने, तो तुरंत ही भाग गया। उसके घर में ही पाई है जी, वो रात से ही फरार है जी। उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल में लेके गए?
उसे हॉस्पिटल में लेके आए जी। इधर दो हॉस्पिटल में उसे जवाब दे दिया गया जी। तो अभी प्रेम में लेके आए थे जी, जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। भाई अभी तो बहुत खतरे में है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो रेप की कोशिश किया या किया? उसने रेप की कोशिश की है, रेप नहीं किया जी। शिकायत दे दी आप लोगों ने? हाँ जी शिकायत दे दी है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई इस तरह की? शादीशुदा वो कौन वो बंदा जी? शादीशुदा हम तो एक ही दरखास्त करते हैं, या तो सरकार उसे फांसी की सजा दे दे, या उसे पब्लिक के हवाले कर दे। हम उसे खुद ही मार देंगे जी, हम उसे खुद ही मार देंगे। या सरकार उसे मार देना तो हम उसे खुद ही मार देंगे, सरकार को नहीं देंगे जी। हम उसे खुद ही मार देंगे। जैसे हमारी बच्ची 4 साल की तड़पी है, हम उसे ऐसे ही तड़पा के मारेंगे। हम भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हम न्याय की पूरी गुहार लगा रहे जी। उसे फांसी मिले, फांसी की सजा होनी चाहिए जी। दूसरे बंदे को भी आंखों ऐसा क्राइम ना करे कोई भी। आपकी क्या लगती थी वो, और कैसी क्या घटना हुई? वो मेरी भांजी लगती थी। हम रात को खाना खाने के टाइम उसे ढूंढ रहे थे, तो वो मिली नहीं, तो उसकी मम्मी उसे ढूंढने के लिए बाहर चली गई। तो हमें पता लगा कि आस पड़ोस में पूछा कि लड़की मिली नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद बताया किसी ने कि वो एक आदमी जो हमारे घर पे आया हुआ था, वो उसे लेके गया हुआ है। तो उसकी मम्मी घर चली गई देखने के लिए, तो वो आदमी भी उस दिन उस टाइम वहीं मौजूद था घर में ही। तो उनके गेट खुलवाए तो देखा वो ऐसे हालत में था कि पैंट भी उतरी हुई थी उसकी, कच्चे कच्चे में था वो, और कच्चे में ही फरार हुआ हुआ घर से। और लड़की को देखा तो उसकी गर्दन पर घाव था, और खाट के पीछे घेर रखी थी, खाट खड़ी कर रखी थी कि ताकि वो दिखे ना, और पूरे घर में अंधेरा कर रखा था। तो बाद में जब हमें पता लगा कि वो लड़की को उसने ही घायल करा, जब हम लड़की को संभालने लग गए तो वो भाग गया। क्या लगा हुआ था गले पे? गले पे अब ये तो पता नहीं चला कि क्या लगा हुआ था, पर ज्यादा घाव है। अभी डॉक्टर कुछ बता नहीं रहा कि क्या होगा। क्या बोल रही है बच्ची माँ से मिलने के लिए? क्या कह रही डॉक्टर से भी बात? वो डॉक्टर से भी नहीं बात कर रही, वो अपनी मम्मी से मिलने की जिद कर रही है कि मुझे मम्मी से मिलवा दो। घबराई हुई है ना लड़की, इसीलिए। कौन है परिवार में? पापा की डेथ तो हुई है उसके, कि उसकी एक बड़ी बहन है 14 साल की, एक मम्मी, बस 3 माँ बेटी है वो। मायके में रह रही थी? हाँ जी हमारे पास ही रह रही थी वो। क्या मांग करते हैं ऐसे दरिंदों के? क्या होगी ऐसे दरिंदों के लिए? तो सिर्फ एक मौत ही है, और तो कुछ नहीं। हम ना समझौता करते ना कुछ करते, बस उसे जल्दी से ढूंढ के और कड़ी से कड़ी ही सजा उसे दी जाए। हमारी तो सिर्फ यही मांग है, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। हाँ जी शादीशुदा है, तलाकशुदा है वो, उसकी वाइफ उसे छोड़ के अपने घर रहती है, बच्चे भी है उसके पास। सबसे बड़ी घटना ये है कि आज तक जितनी भी घटनाएं आपके भी सामने आई है, पत्रकार महोदय भी ये जानते हैं सभी, और मेरे सामने भी आज तक जितनी भी घटनाएं आई हैं, आज तक सभी नशा करने वाला व्यक्ति है जो ऐसी घटना को अंजाम देता है कि वो 2 साल की मासूम बच्ची के साथ या 4 साल की मासूम की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, और उसको मारने का प्रयास करता है कि कहीं कोई पहचान ना ले। लेकिन ये तो गरिमत रही कि वो नशे में था और वही लेटा हुआ था, और बच्ची जब किसी पड़ोसन ने ये देखा कि वो ढूंढ रही थी माँ बच्ची कहाँ चली गई, और पड़ोसन ने देख के बताया कि जो आपके घर में आया हुआ था, आपके घर था, वही व्यक्ति उस बच्ची को उठा के ले जा रहा था, कि कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित हैं, घर में व्यक्ति आता घर में बढ़ के, और ऐसे दरिंदे जो आस पड़ोस में ही होते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी माओं को और पिताओं को कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखो। कोई भी नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है, कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति है, इस टाइप की प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, उसे अपनी बच्चियों को बचा के रखिए, क्योंकि ये भेड़िए हर जगह हैं, ये घर में जब घुस के बेटियों को उठा लेते हैं तो कहीं हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और ये हर रोज़ की घटना है, किसी न किसी बेटी के साथ हर रोज़ ये घटना होती है। ये तो घर में ही इसको चलो घेर रखा तो लड़की जल्दी से मार ली, नहीं तो वो बच्ची मर भी सकती है, क्योंकि उसकी खाने की जो नली है वो भी शायद उसमें भी कोई कटने की जो करे हैं कि वो हुई है, वो तो ऑपरेशन होएगा बच्ची का भी। चलो बच्ची भगवान से दुआ करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बच्ची बच जाए, और इस परिवार के दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हूँ, और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, ताकि और कोई बच्चियाँ इसका मतलब शिकार न हो। सविता जी ये बात भी सामने आ रही है कि पैसे की कमी के वजह से जो है बच्ची का इलाज भी अब तक नहीं हो पाया। नहीं बच्ची हॉस्पिटल में है, बच्ची का इलाज है, बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन है। मैं गई थी हॉस्पिटल में, अभी वहीं से सीधा यहाँ पे आई हूँ, और बच्ची का शायद 2 बजे ऑपरेशन होगा। कब की है जी ये? कल रात की घटना बता रहे, रात की घटना आई है, और रात को ही वो दरिंदा जब किसी ने देखने के
जब उसके घर पे देखने के लिए पड़ोसी, जब उसकी माँ और या परिवार ढूंढ रहा था बच्ची को, और जब पड़ोसन ने ये बताया कि वो ले उठा के लेके गया, जब उसके घर में गई तो वो आराम से खाट पे सो रहा था और बच्ची खाट के पास गिरी हुई थी। मतलब ये बेहद शर्म की बात है। जब उन्होंने जाके वहाँ देखा तो वो मतलब धक्का मार के भाग गया, और पड़ोस वालों ने सोचा कि ये शराबी व्यक्ति है, वैसे ही भाग रहा होगा, किसी ने नहीं पकड़ा उसको, और अगर वहाँ पे पकड़ लेते तो शायद आज दोबारा वो गलती ना करता, क्योंकि वो तो फिर आपको बताइए कि जो परिवार या समाज उसके साथ करता। लेकिन बड़े अफसोस की बात और बड़े दुख की बात है कि पानीपत में ये घटना मतलब बंद नहीं हो रही, और इसका कारण मैं सबसे ज्यादा नशा मानती हूँ। फिलहाल क्या आरोपी को पकड़ा जा चुका है? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया, शायद उसके भाई को उठाया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जल्द वो पकड़ा जाएगा। और मैं परमपिता परमात्मा से विनती करती हूँ कि जल्दी का ऑपरेशन, लड़की का जो ऑपरेशन है वो भी ठीक से हो जाए, वो स्वस्थ होकर घर आए। सर, क्या कुछ शिकायत मिली है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमें लड़की की मदर की तरफ से शिकायत मिली है कि वहीं का कोई लड़का है जो लड़की के गले पे जिसने वार किया है और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी है, उसकी शिकायत के आधार पे हमने FIR दर्ज कर दी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्ची की हालत सर कैसी बताई जा रही है? फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है आपस में पारिवारिक आना जाना भी था, वो आता रहता था। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि सविता आर्य ने अपनी बात रखी, पुलिस ने भी अपनी बात रखी और परिवार वालों ने भी अपनी बात रखी, और जो ये इस प्रकार की घटनाएं वारदात हो रही हैं इनको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ये एक सोचने वाली गंभीर विषय है, और हर माँ बाप को जो ये वीडियो देख रहा है अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई आरोपी होता है जो गलत घटना को अंजाम देता है, वह कहीं और से नहीं होता, वो हमारे बीच में से ही होता है। ये ध्यान रखना चाहिए हमें अपने बच्चे का कि हमारा बच्चा किसके साथ है, कहां पर गया हुआ है। तो ये एक जागरूक करने के लिए ये इस प्रकार से वीडियो बनाई जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मनीष कुमार, अखंड भारतीय आवाज़ से।